मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद बिल्कुल भी आप लोग को डीमोटिवेट करना नहीं है, तो आप बिल्कुल अच्छे से समझिएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों को यही बताने वाला हूँ कि अगर आप अपना एक YouTube चैनल ओपन करना चाहते हैं, तो मैं आप लोगों को अच्छे से क्लियर ये चीज़ कर देता हूँ कि YouTube में आकर आप लोगों को वीडियो बनाना, उसे मोनेटाइज करना अपने चैनल को, इतना आसान भी नहीं है। मैं जान रहा हूँ कि यहाँ पे आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि मैं आप लोगों को डिमोटिवेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन यही सच्चाई है। हर बार ऐसा नहीं होता कि आप आएंगे, वीडियोज़ बनाएंगे, आपका वीडियो वायरल होने लग जाएगा और आप रातों रात फेमस हो जाएंगे और आपको बहुत सारे व्यूज़ मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। इसमें भी बहुत मेहनत है और इसमें भी आपका लक बहुत काम करता है। अगर आप लकी नहीं हैं, अगर आपके सबसे पहले तो अगर आपके वीडियोज़ में वो पावर नहीं है, वीडियो उतने रिफाइंड नहीं है, आपके कंटेंट में क्वालिटी नहीं है, तो वैसे भी नहीं चलेगा। और अगर आपका क्वालिटी अच्छा है वीडियो का, आप कंटेंट अच्छा डिलीवर कर रहे हैं, फिर भी लक फैक्टर भी यहाँ पे बहुत काम करता है। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे अपना उदाहरण देकर बताना चाहता हूँ। देखिए, मैं और यस हम लोग लगभग 6 सालों से यूट्यूब पे वर्क कर रहे हैं। हमारा जो मेन चैनल है शर्मा जी ब्रदर्स, वो एक टेक चैनल है, उसमें 553 वीडियोस अब तक हमने अपलोड कर दिए हैं। आज के डेट में जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तब तक हमने अपलोड कर दिए हैं। 1,06,000 प्लस सब्सक्राइबर हैं, वेरिफिकेशन बेज मिल चुका है जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीनशॉट में, और हम लोगों को सिल्वर प्ले बटन भी मिल चुका है। हमने वो चैनल स्टार्ट किया था 2017, सितंबर 2017 में। एग्जैक्ट डेट आई थिंक 17 सितंबर 2017 है। और 2017 में हमने काफ़ी अच्छा वो रन किया उस चैनल को, काफ़ी अच्छे हमको व्यूज़ आए, सब्सक्राइबर मिले। 2018 भी हमारा बहुत अच्छा गुजरा, लेकिन जब 2019 में नए एल्गोरिदम आए यूट्यूब की तरफ से, तो वहाँ पे हमारे चैनल का इंप्रेशन बंद कर दिया गया। और आप देख सकते हैं जो हमारे पुराने वीडियो हैं, मतलब पुराने नहीं होता सॉरी पुराने वीडियो हैं, उनमें आप देखेंगे उसमें आप लोग को बहुत अच्छे व्यूज़ देखने को मिलते हैं। मेरे बहुत सारे वीडियो जो हमने, मैंने और यस ने मिलकर बनाए हैं, उसमें मिलियंस में व्यू आए हैं। फिर आप देख सकते हैं 9,00,007,006,005,004,00, मतलब लाखों में व्यू हैं। और अगर मैं टोटल व्यू की बात करूँ तो 1,96,00,000, मैं आपको एग्जैक्ट डिजिट यहाँ पे दिखा दूंगा, स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा, आप देख सकते हैं कि कितने सारे हमारे चैनल पे व्यू हैं। लेकिन आज के डेट में अगर मैं करेंट वीडियो आप लोग को दिखाऊं, तो आप देख सकते हैं कि 1,000, 1,500, 100, 150, बहुत कम व्यू आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? हमारा कॉन्टेंट खराब नहीं है, हमारा वीडियो खराब नहीं है, क्योंकि हमको जो कमेंट आ रहे हैं उससे हमको पता चल रहा है कि हमारे वीडियोज अच्छे हैं। लेकिन दिक्कत यह है, इंप्रेशन नहीं आ रहा है। और अगर YouTube हमारे चैनल का इंप्रेशन, हमारे वीडियो का इंप्रेशन किसी को दिखाएगा ही नहीं, हमारा वीडियो लोगों तक, मतलब हमारे ये जो वीडियोस हैं, जो हमने वीडियोस क्रिएट किए हैं टेक्स से रिलेटेड, वो अगर ऐसे लोगों तक वो YouTube पहुंचाएगा ही नहीं जो ऐसे वीडियोस देखना चाहते हैं, तो फिर हमारा वीडियो कैसे चलेगा? तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये है कि अगर YouTube आपके चैनल पे, आपके वीडियोस पे इंप्रेशन ना दे, तो आप कुछ नहीं कर सकते और आपका चैनल बिल्कुल भी ग्रो नहीं करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आप लोग को इस चैनल के बारे में बताना चाहूँगा। इस चैनल को मैंने नया स्टार्ट किया है, नए टाइप का कंटेंट मैं आप लोग के लिए बना रहा हूँ। जैसे मैं अगर गाड़ी ले रहा हूँ तो उसका मैं आप लोग के लिए वीडियो बना रहा हूँ, अगर कोई चीज़ मैं परचेस कर रहा हूँ उसका बता रहा हूँ, कहीं जा रहा हूँ उसके बारे में बता रहा हूँ। मतलब ये जो चैनल है ये फ्री है मेरे लिए, मैं किसी भी टॉपिक के बारे में खुल के आप लोगों के साथ बात कर सकता हूँ। तो इसी टॉपिक में मैं आप लोग के साथ बात कर रहा हूँ कि ये नए चैनल को ओपन करने के बाद क्या क्या चीज़ें हुई, कैसा कैसा हुआ। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि सबसे पहले तो नए रूल के हिसाब से आपको 4000 घंटे कंप्लीट करने हैं अगर आप एक नया चैनल मोनेटाइज करना चाहते हैं तो, और 1000 सब्सक्राइबर आपके होने ही चाहिए एक साल के अंदर। अगर आप 4000 घंटे कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं एक साल के अंदर अंदर, तो आप 3 महीने में यानी कि 90 दिनों में 10 मिलियन व्यू ला सकते हैं शॉर्ट्स से। तो वो कैसे काम करता है, तो आप स्क्रीनशॉट मेरा देख सकते हैं। मैंने अपने चैनल पे लगभग 14 वीडियो जो लॉन्ग वीडियो है वो अपलोड किया है, इस चैनल की मैं बात कर रहा हूँ, और 24 वीडियो शॉर्ट्स अपलोड किए हैं। तो आप देख सकते हैं सबको मिला के यहाँ पे मेरे जो सब्सक्राइबर बन रहे हैं वो सिर्फ 333, आज के डेट में 333 ही सब्सक्राइबर बन रहे हैं। और मेरा जो वॉच टाइम है वो लगभग 4000 होने वाला है, आप देख सकते हैं 3411 घंटे मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं। और अगर मैं बात करूँ शॉर्ट्स की, तो शॉर्ट्स आप देख सकते हैं सिर्फ 8000 व्यूज आए मेरे शॉर्ट्स पे, और मेरे को 3 महीने में इसे 10 मिलियन करना है। तो शॉर्ट्स में भी उतने व्यू नहीं आ रहे हैं। शॉर्ट्स में कैसे शॉर्ट्स में व्यू आ रहे हैं आप लोग को पता है, बादाम बादाम भैया कच्चा बादाम चल रहा है, या फिर लटक के झटक के मटका के, ऐसे टाइप के वीडियोज में व्यू आ रहे हैं ज्यादा से ज्यादा। और बहुत सारे अच्छे वीडियोस भी बनते हैं जिनमें व्यू आते हैं, लेकिन उतने व्यू नहीं आते कि रातों रात वायरल हो जाए और आपका 10 मिलियन कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इतना मेहनत करने के बाद, 3411 घंटे कंप्लीट करने के बाद भी जो मेरे सब्सक्राइबर है सिर्फ 333 है, यानी कि 1000 सब्सक्राइबर भी मेरे अभी तक नहीं हुए हैं और अभी भी 4000 घंटे होने बाकी हैं। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि यूट्यूब में आप आएंगे, वीडियो बनाएंगे और आप लोगों को बहुत सारा पैसा मिलने लग जाएगा, आपका जो चैनल है फटाफट मोनेटाइज हो जाएगा और आप रातों रात बहुत ज़्यादा फेमस हो जाएंगे।
मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि अगर आप YouTube में आ रहे हैं तो आपको पेशेंस होना चाहिए और आप कुछ चीज़ छोड़ कर जाएं। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब क्विट करके ना आएं, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई क्विट करने का बिल्कुल ना सोचें, और अगर YouTube में आप करियर बनाना चाहते हैं, यूट्यूबर बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप लोगों को क्लियर होना चाहिए कि आप किस कंटेंट में वीडियो बना सकते हैं, किस में आप लोग को नॉलेज है, और आप लोग को पेशेंस रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपका पहला ही चैनल चल पड़ेगा, और अगर आपका पहला ही चैनल चल पड़ा तो वो कंटिन्यू चलते रहेगा, क्योंकि हमारे साथ बिल्कुल वैसा ही हुआ। जो शर्मा जी ब्रदर्स है वो हमारा पहला चैनल है मेरा और यश का, और वो काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहा था, मोनेटाइज भी हो गया था, पैसे भी हम कमा रहे थे, स्पॉन्सरशिप भी मिल रहा था, और एक ही रात में सारी कहानी पलट गई। मेरे को अभी भी याद है दिसंबर 2018 तक हमारा जो इम्प्रेशन था हमारे चैनल का बहुत अच्छा था, और 1 जनवरी यानी कि 1 जनवरी 2019 से सारी चीज़ें अचानक से ख़त्म हो गई। कितना दुख होता है आपका चलता हुआ चैनल जब बंद हो जाए, आपको ज़्यादा अर्निंग ना हो, आपको ज़्यादा स्पॉन्सरशिप ना मिले, वो सिर्फ वही जान सकता है जिसका चैनल काफ़ी अच्छा चल रहा था। आई होप आप लोगों को काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा मैं आप लोगों को क्या समझाना चाह रहा था। तो सीधी सी बात यही है कि अगर आप लोगों को एक यूट्यूबर बनना है, अगर आप लोगों को YouTube में बहुत लंबा चलना है, पैसे कमाने हैं, मोनेटाइज करना है चैनल, तो आप लोग को पेशेंस रखना होगा, और आप लोग को ये पता होना चाहिए कि आप कौन से फील्ड में बहुत अच्छा वीडियो बना सकते हैं, ताकि आप कंटिन्यू बना सकें और अपने चैनल पर अपलोड कर सकें। बस इतना ही आप लोगों से कहना था। बेस्ट ऑफ लक आप लोग के फ्यूचर के लिए, आप जो भी कर रहे हैं उसके लिए आप लोगों को भगवान सारी चीज़ें दें। आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।